मंडी शहर में विक्टोरिया पुल के साथ बने नए पुल के नीचे वर्षों पहले बनी नगर निगम की दुकानें बीती 27 जुलाई को पीपल का विशालकाय पेड़ धराशाही होने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह पेड़ दुकानों के पिछली तरफ व्यास नदी की ओर था। 9 और 10 जुलाई को जब महाजल प्रलय आई थी तो उसी वक्त यह पेड़ अपनी पकड़ खो बैठा था। हालांकि प्रशासन ने इसे काटने के आदेश भी दे दिए थे, लेकिन उससे पहले ही बीती 27 जुलाई को यह धराशाही हो गया। पेड़ गिरने से 3 दुकानों का लाखों का नुकसान हो गया, जबकि साथ लगती दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय दुकानदार मान सिंह, विनोद कुमार और केवल कृष्ण ने बताया कि उनको लाखों का नुकसान हो गया है। एक बार स्थानीय पार्षद और पटवारी ने मौके पर आकर दौरा किया, लेकिन राहत तो दूर की बात, फौरी राहत के तौर पर भी कुछ नहीं मिला। तो बाढ़ आने के कारण एक पीपल का पेड़ यहाँ था, जो कि बड़ी खतरनाक स्थिति में हो गया था। उसके लिए डीसी महोदय द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए डीएफओ को एप्लीकेशन, डीएफओ को रिमूव की हमारी एप्लीकेशन, तो डीएफओ साहब ने भी उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एक रिपोर्ट बना के डीसी साहब को भेज दी गई थी। परंतु उस दौरान बीच में पेड़ खुद ही गिर गया, जिसके कारण और ज़्यादा हमारी दुकानों का नुकसान हुआ। लगभग कितना नुकसान हुआ है और क्या किसी ने आंकलन किया है, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई मेंबर? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, पर वार्ड मेंबर आए थे, उन्होंने देखा और चले गए। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, पटवारी आया था, एक पटवारी ने सिर्फ मौका किया और चला गया। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी तरह की कोई फौरी राहत दी गई? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया गया। दुकानों का कम से कम 2-3 लाख रुपए का नुकसान है, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई फौरी राहत नहीं दी गई हमें, ना ही कोई आया। सिर्फ वार्ड मेंबर आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी साहब को, उसके बाद पटवारी जी आए थे, बस वो मौका करके चले गए। किसने कुछ ना दिया, ना लिया, ना कुछ बोला, ना कुछ। अब टाल मटोली कर रहे हैं बस। क्या आपकी मांग रहेगी सरकार? सरकार इसको दुकानों को बना के दे दे, निगम की दुकानें, और नीचे दरिया की तरफ डंगा लगा दे, ताकि दूसरी बार ऐसा नुकसान ना हो, भविष्य में ऐसा नुकसान ना हो। हमारे तो पूरा ही डैमेज हो गया था नीचे से, इसलिए फौरी तो कोई भी नहीं आया हमें पूछने, इसलिए जो कुछ है अपने से ही कर रहे हैं। 50 साल हो गए दुकानदारी करते। तो अब क्या मांग है आपकी जिला प्रशासन या सरकार से कि क्या किया जाए? कुछ मदद कर दें और डंगा लगाया जाए, पीछे से, ताकि काम पक्का हो जाए। अपनी रोजी रोटी बचाने के चक्कर में अब यह दुकानदार अपने पैसों से ही दुकानों की मरम्मत करवाने में लगे हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि यह दुकानें नगर निगम की हैं और वर्ष 1965 से वे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचालन कर रहे हैं। हर महीने निगम को इसका किराया भी अदा करते हैं। इन्होंने सरकार व प्रशासन से उचित मुआवजा अदा करने और दुकानों को तुरंत प्रभाव से मरम्मत करने की गुहार लगाई है। जो हमारी खलियार की तरफ जो विक्टोरिया ब्रिज है, उसके पास भी हमारी शॉप्स हैं, वहाँ भी पीछे से काफ़ी सारी कैविटी सी बन गई है और पीछे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और वो दुकानें जो हैं अनसेफ सी लगती हैं कई बार, कि कहीं गिर ना जाए। इस विषय में जो हमारे स्थानीय पार्षद थे और हमारे जो एसडीओ साहब थे, वहाँ मौके पर गए थे। पीपल का पेड़ गिरा था, उस दौरान भी हमारी टीम वहाँ गई थी। एक तो हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि फ़िलहाल टेम्परेली इसको खाली कर दें शॉप्स को, ताकि उनकी जान माल को खतरा ना हो। और दूसरा, मैंने डीसी साहब से बात की थी एक दिन, डीसी साहब ने खुद भी कहा था कि इसमें कुछ अर्जेंटली हो सकता है, तो इसमें कर लेते हैं, और मैं इस काम के लिए कुछ राशि भी दूंगा और इसमें कुछ करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, उसका बेस, अगर हम दीवार लगाएंगे उसका बेस बहुत नीचे होगा,
तो अभी पानी बहुत ज़्यादा है, इमिडिएटली वहाँ करने के लिए कुछ बनता नहीं है, बन नहीं पा रही बात कि कैसे क्या काम होना चाहिए। फिर भी इसमें हम कोई संभावना तलाश रहे हैं कि कैसे उस प्रॉपर्टी को बचाया जाए, और बहुत जल्दी हम कुछ ना कुछ उसमें रास्ता निकालेंगे ताकि हमारे जो दुकानदार हैं और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सेफ हो सके।